करीना क्या बनना चाहती हो आप? पुलिस में नौकरी लगेगी। पुलिस में नौकरी लगेगा? पढ़ोगी तभी ना नौकरी लगेगा। पढ़ेंगे ठीक हो जाएंगे तो। ठीक हो जाओगी तब? देख लीजिए, बच्ची कह रही है कि ठीक हो जाएगी तो पढ़ेगी और उसके बाद जो है पुलिस का नौकरी लेंगे। हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे, मगर हम बेटी को जरूर पढ़ाएंगे सर, मगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तब। सिर्फ आपकी बेटी सिर्फ ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाए। हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे, मगर बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। देश के हिफाजत करेंगे। हिफाजत करोगी? क्या नाम है आपका? करीना। कई साल की हो? 8 साल। स्कूल जाती हो आंगनबाड़ी में? हाँ जाती हूँ। पढ़ती हो? कखा कखा आता है? हाँ सब आता है। महाशय सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बड़े बड़े लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन बेटी का क्या सपना है, बेटी कैसे बचेगी और बेटी कैसे पढ़ेगी ये कोई बात नहीं करता है। अभी मैं आजमपुर में हूँ, हमारे साथ करीना है और करीना का एक बहुत बड़ा सपना है जिसे सुनने के बाद जो है आपके पैर से जमीन खिसक जाएगा कि जिस लड़की का जीने का कोई उम्मीद नहीं है वो लड़की कहती है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी। क्या बनूंगी? पुलिस ऑफिसर बनूंगी और शासन में प्रशासन में अपना तिरंगा जो है लहराऊंगी। करीना क्या बनना चाहती हो आप? पुलिस में नौकरी लगेगी। पुलिस में नौकरी लगेगा? पढ़ोगी तभी ना नौकरी लगेगा। पढ़ेंगे ठीक हो जाएंगे तो। ठीक हो जाओगी तब? देख लीजिए, बच्ची कह रही है कि ठीक हो जाएगी तो पढ़ेगी और उसके बाद जो है पुलिस का नौकरी लेंगे। लेकिन भैया हम पूछना चाहते हैं कि बच्चिया का इलाज नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नेता लोग एसी में बैठकर समोसा और चाय तोड़ रहे हैं, तो इस बच्चिया का इलाज कैसे होगा? छोटे मोटे पत्रकार आ रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। 1500 काम चल रहा है भैया? 1500 काम चल रहा है? नहीं हो रहा है। इस बच्चिया का जरूरी है उचित उपाय ताकि यह बच्चिया जो है पढ़े लिखे आगे बने। भैया मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, चिराग पासवान जी आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे और बिहार के पुरनका मसीहा पप्पू यादव जी आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चिया को बचा लीजिए, फिर उसको पढ़ा दीजिए, उसके बाद पुलिस का नौकरिया तो ये खुदे जो है आपसे छीन लेगी। क्या कि बच्चिया जब बच जाएगी ना तो टैलेंट इतना कूट कूट के भर जाएगा। और वैसे भी बता दे बिहार के लोग जो होता है ना, एक बिहारी 100 पे भारी होता है और ये बच्चिया जो है अकेले जो है रिकॉर्ड तोड़ देगी और बिहार पुलिस बन जाएगी। बिहार पुलिस बन जाओगी बाबू? हाँ बन जाऊंगी। बन के क्या करोगी? बन के देश की हिफाजत करेंगे। देश के हिफाजत करेंगे। हिफाजत करोगी? क्या नाम है आपका? करीना। कई साल की हो? 8 साल। स्कूल जाती हो आंगनबाड़ी में? हाँ जाती हूँ। पढ़ती हो? कखा कखा आता है? हाँ सब आता है। कखा आता है ना? आता है। देख लीजिए बच्चिया जो है पढ़ने में इंटेलिजेंट है काफ़ी, मतलब कि अभी तो 8 साल की है, अभी आंगनबाड़ी में जा रही है, उसके बाद स्कूल में जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी बनेगी नवाब, खेलेगी कूदेगी तो हो जाएगी खराब। लेकिन इसका ज़रूरी है पढ़ाना लिखाना तभी जो है नवाब बनेगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चिया का इलाज हो। देख लीजिए कितना जो है खूबसूरत दिख रही है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। इसकी बीमारी इसको इतना मतलब शरीर बर्बाद कर दिया, बाल उड़ गया, पूरा चेहरा फूल गया, पेट फूल गया, लेकिन हम निवेदन करना चाहेंगे भैया बच्चिया का थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए कि वैसे भी बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, दहेज जा रहा है तभी बेटी सबका शादी हो रहा है, लाखों खर्चा हो जा रहा है तब बेटी जी का शादी हो रहा है, और वैसे भी ये भी लड़की है इसकी शादी का भी तो जिम्मेदारी आ ही जाएगा, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसका मदद कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाद में कीजिएगा, पहले बेटिया को बचा दीजिए, इसका इलाज करा दीजिए, ये अपने पढ़ के जो है सरकारी जॉब ले लेगी। ले लेगी कि नहीं भाई? जरूर ले लेगी। ले लेगी ना? जरूर ले लेगी। ले लेगी कि नहीं लेगी बेटी? हाँ उसके हालात है तो ले लेगी। आपकी बेटी कह रही है कि पुलिस बनेगी? हाँ बन जाएगी। आप बनेगा कि नहीं है? आप बनाइए बनाओगे कि नहीं? हाँ हम फुल कोशिश करेंगे सर। फुल कोशिश कीजिएगा सर। हाँ फुल कोशिश करेंगे। देख लीजिए पिता की उम्मीद जो है बेटी से बढ़ गया, ऐसे कहा जाता है बाप जो होता है ना बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बाप जो है ना बेटिया से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं कि बेटिया जो है इनकी जो उम्मीद पर खड़ा होगी।
हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे मगर हम बेटी को जरूर पढ़ाएंगे सर, मगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तब। जाए आपकी बेटी सिर्फ ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाए। हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे मगर बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे। बेटी आगे बढ़ी जाएगी ना भैया? बिहार पुलिस में जाएगी कि नहीं? जाएगी। गाँव के लोग पूरा सहमत है, लेकिन जरूरी ये है, हम बार बार बोल रहे हैं हाथ जोड़ के कि बेटी की मदद कीजिए। विधायक जी आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आके एक बार जो है मिल लीजिए, बच्चिया का मदद कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। बच्ची खुद आके जो है आगे बढ़ जाएगी, खुद नाम रोशन करेगी, और इनका बहुत बड़ा सपना है बिहार पुलिस में जाना। बिहार की है तो बिहार की माटी से जरूर प्यार करेगी और जरूर कुछ करके दिखाएगी। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम इसकी मदद जरूर करेंगे। जय हिंद।